क्लास एट्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 13 है आपका लाइट। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितनी लेयर से वो बना होता है। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन आई क्या है। द आई इज अ हॉलो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर विच इज हेल्ड इन पोजिशन बाय मसल्स। द ह्यूमन आई इज रैप्ड इन 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो आपकी ह्यूमन आई से वो कैसी है, आपकी हॉलो ग्लोब शेप की है, और वो किससे बनी हुई होती है, आपके मसल्स के पोजीशन के कारण वो आपकी आईज क्या होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ था ह्यूमन आई इज रैप्ड इन 3 लेयर ऑफ टिश्यू। अब जो आपकी ह्यूमन आई है वो 3 लेयर के टिश्यू से क्या होती है, बनी हुई होती है। 3 लेयर्स के नेम क्या है आपका, फर्स्ट है आपका स्क्लेरा, सेकंड है आपका द कोरोइड कोट, थर्ड है आपका रेटिना। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें द स्क्लेरा। स्क्लेरा आपकी सबसे एक्सटर्नल जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो आपकी आंख होती है, आंख की जो परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। सेकंड आता है द कोरोइड कोट। कोरोइड कोट में आपका पिगमेंट रहता है, आपका एक पिगमेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोइड कोट बोलते हैं। और जो क्या करता है हमारे लिए, जो हमारी लाइट, जो हमारी आईज में लाइट जाती है, लाइट को क्या करता है, वो रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट करता मतलब उसको एब्जॉर्व कर लेता है प्रॉपर तरीके से और शाइन नहीं होने देता। थर्ड हम बात करते हैं इसमें रेटिना की। रेटिना आपकी सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और इसका वर्क क्या रहता है, जब आप कोई भी लाइट को एंटर करते हो, द इनर लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड लिड। और ये किससे बनी हुई होती है, आपकी 2 सेल से बनी हुई होती है, आपकी रॉड से और कौन से, जो आपका रेटिना लेयर है वो किससे बनी होती है, टू सेल से बनी होती है, इसका नाम है रॉड और कौन से। ये आपके स्केल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।